दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। चारमीनार 1591 ईस्वी में बना हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। ये चार अलंकृत मीनारें संलग्न और चार भव्य मेहराब के द्वारा समर्थित हैं। इस चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुबशाही राजवंश के पांचवें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। माना जाता है कि चार मीनार और गोलकुंडा को जोड़ने वाली सुरंग में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। कहानियों के अनुसार इस सुरंग का निर्माण सुल्तान ने शाही परिवार के लिए करवाया था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो किले से चार मीनार आसानी से जा सके। 1936 में इस खजाने के बारे में निजाम और उस्मान अली को रिपोर्ट भी दी गई थी, जिसमें उस खजाने के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया था। और आज भी इस सुरंग में यह खजाना मौजूद है, परंतु इस सुरंग में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। चौथा, नादिर शाह फारस का शाह था और उसने सदियों के बाद अपने क्षेत्र में ईरानी प्रभुता स्थापित करी थी। उसने अपना जीवन दास्ता से आरंभ किया था और फारस का शाह ही नहीं, बल्कि उसने उस समय ईरानी साम्राज्य के सबल शत्रु उस्मानी साम्राज्य और रूसी साम्राज्य को ईरानी क्षेत्रों से बाहर भी निकाला। इस आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली में घुसा। भारी लूटपाट के साथ नादिर शाह ने 20,000 से 30,000 लोगों का विभत्स नरसंहार भी किया। कहा जाता है कि लूट इतनी बड़ी थी कि वापस जाते समय उसका खेमा 150 मील लंबा था। नादिर शाह ने करोड़ों सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरी बोरियां और पाक तख्ते तौर जो अब ईरान में छुपा हुआ है और विख्यात कोहिनूर हीरा लूटा, जो अब ब्रिटिश राजमुकुट है। बिहार का एक छोटा सा शहर है राजगीर, जो कि नालंदा जिले में स्थित है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी थी और यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। यह शहर आज भी बुद्ध से जुड़े स्मारकों के लिए जाना जाता है। इसी राजगीर में है सोन भंडार गुफा, जिसके अंदर एक रास्ता सम्राट बिंबिसार के संरक्षित खजाने की ओर जाता है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप से उड़ाने के असफल प्रयत्न किए। सोन भंडार गुफा में अंदर प्रवेश करते ही 10.5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कमरा है। यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था, जिसमें सैनिक दिन रात इस कक्ष में उस खजाने की पहरेदारी करते थे। खजाने की ओर जाने वाले रास्ते को चट्टान से बंद कर दिया गया और उस पर शंख लिपि में खजाने तक पहुंचने का रास्ता लिख दिया गया। परंतु आज के इस आधुनिक जमाने में इस शंख लिपि के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए यह बिंबिसार का खजाना आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। दूसरा, राजा मानसिंह अमेर के कच्छवाहा राजपूत राजा थे। उन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। मानसिंह राजा भगवंत दास के सुपुत्र थे। राजा मानसिंह अकबर की सेना के सेनापति थे और अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। 1580 में अफगान विजय के बाद उन्होंने अकबर को खजाने के लूट का हिस्सा नहीं दिया और खजाने को जयगढ़ के किले में ही छुपा दिया। इस बात की प्रामाणिकता इस बात से भी मिलती है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय में खजाने की खोज का आदेश दिया था। हालांकि सरकारी रिपोर्टों में इस खोज को व्यर्थ करार दिया गया है, परंतु विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर तक सेना के टैंकों में खजानों को पहुंचाने के लिए 6 माह तक दिल्ली और जयपुर मार्ग आम जनता के लिए बंद करा गया था।
कौन सी कहानी सच है ये कहना मुश्किल है। जो भी हो, शहर इस खजाने का रहस्य कभी नहीं सुलझ सकेगा। पहला, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहां आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर को अंतरराष्ट्रीय ख्याति तब मिली जब जून 2011 में इसके एक गुप्त तहखाने को खोला गया और अंदर का दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। उस तहखाने में गहने, मुकुट और मूर्तियों के साथ रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले सोने व चांदी के बर्तन भी थे, जिनमें नगीने भी शामिल थे। तहखाने में मिले इस खजाने की अंतरराष्ट्रीय कीमत $22 अरब आंकी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दूसरा तहखाना तभी खुलेगा जब पहले तहखाने में मिली संपत्ति का सारा कागजी काम पूरा हो जाएगा। मंदिर के पुजारियों के अनुसार दूसरे तहखाने में और भी बड़ा खजाना है, जिसकी रक्षा नाग करते हैं और इसे खोलने से भारी तबाही हो सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों से फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।